हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो हमारी नेफ्रोलिपिस की पार्ट थर्ड होगी, है ना। अभी तक हम लोगों ने जो है नेफ्रोलिपिस का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें पार्ट वन में हमने उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी, और जो हमारा पार्ट टू था उसमें हमने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, जिसमें हमने TS ट्रांसफर सेक्शन ऑफ राइजोम देखा और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पिटियोल देखा। तो यहाँ तक हमारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन जो ये वाला पार्ट है हमारा पार्ट थर्ड, उसमें हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्शन का हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और स्पोरोफिटिक फेज जो होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है, हम उसको पूरा इस टॉपिक पे, इस वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब यानी कि नेफ्रोलिपिस जो है हमारा, वो वेजिटेटिवली भी रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो वो कैसे है कि पहला पॉइंट कहता है इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स। क्या कह रहा है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारा हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स जो है, जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। स्टोलन जो हमने पढ़ा था, है ना, जो लेटरल ब्रांचेस से बनता था, तो स्टोलन जो है प्रोड्यूसेस बर्ड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट राइजोम। स्टोलन क्या कर रहा है, वो बर्ड्स बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट राइजोम। जो राइजोम, पेरेंट राइजोम है, उसके कुछ दूरी पर स्टोलन जो है बर्ड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और इसी बर्ड से हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। दीज बर्ड्स गिव राइज टू फ्रंट्स, और यही बर्ड्स आगे चल के क्या बनाती हैं, फ्रंट्स, और वही फ्रंट्स क्या करते हैं, एंड हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, और फिर वही फ्रंट जो है एक नया फर्न प्लांट बना लेते हैं। तो यहाँ तक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक समझ आया होगा। अब हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम स्पोरोफिटिक फेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर स्पोरोफिटिक फेज पढ़ेंगे तो यानी कि स्पोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो स्पोर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है हमारा, तो उसको जानते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि जो स्पोर्स यहाँ पर बन रहे हैं नेफ्रोलिपिस में, वो सारे कैसे हैं, होमोस्पोरस। होमो का मतलब होता है सेम सेम, यानी कि जितने भी स्पोर्स बनेंगे, है ना, वो सारे शेप और साइज उनका एकदम सेम होगा, सारे स्पोर्स एक तरीके के होंगे, इसका मतलब होता है होमोस्पोरस। और अगर यहीं पे होता वर्ड हेट्रोस्पोरस, यानी कि हर स्पोर आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई बड़ा कोई छोटा, है ना, तो यहाँ पे लेकिन होमोस्पोरस है, तो हमारा क्या है, सारे स्पोर्स जो है वो सेम साइज के हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पोर आर प्रोड्यूस इन साइड द स्पोरेंजियम। हमने हमेशा से ये चीज़ पढ़ी है कि जो स्पोर्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई कि स्पोर्स हमारे कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन साइड द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर। दिस स्पोरेंजियम ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सोरस। अब ये एक और वर्ड आया है हमारा, सोरस क्या चीज़ है, कह रहा है कि ये जितने भी स्पोरेंजियम हैं, है ना, जो स्पोर्स स्पोरेंजियम में बन रहे हैं, तो ये जो सारे स्पोरेंजियम जब इकट्ठे होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उस ग्रुप को एक नाम इन्होंने दे दिया, जिसका नाम है सोरस। ये बात समझ आ गई कि सोरस क्या चीज़ है। नेक्स्ट कहता है कि सोरस आर फॉर्म्ड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द मैच्योर पिन्ना, यानी कि सोरस, अब ये जो सोरस हमने पढ़ा है कि ये जो स्पोरेंजियम सारे ग्रुप बना के एक नया नाम जो दिया है उन्होंने सोरस का, वो कहाँ बनते हैं, फॉर्म ऑन द वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज ये हमारा लीफ है, लीफ का ये हाथ जो है ऊपर वाला एरिया जो है वो क्या है, डॉर्सल सरफेस है, और नीचे वाला जो है वो वेंट्रल सरफेस है। तो यहाँ पे सोरस वेंट्रल सरफेस पे है, यानी कि नीचे की साइड है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सोरस आर फॉर्म ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द मैच्योर पिन्ना, मैच्योर पिन्ना जो है उसके वेंट्रल साइड पर सोरस बनते हैं। दे आर अरेंज इन टू रोज, ये दो रो में अरेंज होते हैं, ठीक, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द मिडवेन, मिडवेन के दोनों साइड एक एक जो है अरेंज होते हैं। ईच सोरस हैज एन इंड्यूजियम। अब इंड्यूजियम क्या चीज है, अभी हम डायग्राम में दिखा देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जा रहा है। कह रहा है कि ईच सोरस, हर सोरस का अपना एक इंड्यूजियम होता है, विच कवर्स द सोरस। जाहिर सी बात है कवर कर रहा है, यानी कि सोरस को प्रोटेक्शन दे रहा है, बचा रहा है ना। द इंड्यूसियम इज रेनीफॉर्म। इंड्यूसियम कैसा होता है, रेनीफॉर्म, यानी कि किडनी शेप का होता है, राउंडिश भी होता है कभी कभी, और सब ऑर्बिकुलर भी होता है। ये शेप के बारे में बात कर रहे हैं कि इंड्यूसियम होता किस शेप का है, डायग्राम में अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये हमारे डायग्राम की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये TS है एक फर्टाइल पिन्ना का, जो कि क्या शो कर रहा है कि सोराई, सोराई मतलब बहुत सारे सोरस की बात हो रही है ना, सिंगुलर प्लूरल तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा इंग्लिश में, एक सोरस है
तो सोरस कहेंगे, बहुत सारे सोरस हैं तो सोराय कहेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि पिन्ना का जो है टीएस काटा गया है, ट्रांसफर सेक्शन लिया गया है फर्टाइल पिन्ना का, जिसमें वो सोरस का पोजीशन दिखा रहा है कि सोरस होते कहाँ पे। तो ये एक फर्टाइल पिन्ना है ना। अब इस पिन्ना में कहाँ दिखा रहा है कि नीचे साइड, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ, फिर ये सोरस है। सोरस क्या है? ग्रुप है ना स्पोरेंजियम के, बहुत सारे स्पोरेंजियम मिलके सोरस बनाते हैं, ठीक है। अब उसी को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो स्पोरेंजियम दिखेगा कि ये स्पोरेंजियम है हमारे, है ना, ग्लोबुलर बॉडी है, फिर स्टॉक है, ऐसे करके सारे अरेंज हैं, बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे होंगे। ये सारे स्पोरेंजियम मिलके क्या बनाते हैं? सोरस बनाते हैं। अच्छा, एक इंड्यूसियम भी वर्ड आया था, तो इंड्यूसियम ये देखो ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना, जो कि क्या करती है, सोरस को प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्पोरेंजियम मिलके सोरस बना रहे हैं, तो उनको ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये एक समझ लो आउटर लाइन है, कह सकते हैं एक कवरिंग है ना, वो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो पहला पॉइंट कहता है द स्पोरेंजियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। स्पोरेंजियम हमारा कैसा डिफरेंशिएटेड है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला स्टॉक या पेडिकल बोलेंगे, जैसे ऐसा मैंने बनाया है, देखो यहाँ पे छोटू सा है ना। और फिर होता है कैप्सूल या स्पोर सैक, ये कैप्सूल वाला पार्ट है, ये स्टॉक हुआ है ना, या पेडिकल बोल सकते हैं, और ये हमारा कैप्सूल या स्पोर सैक बोल सकते हैं, जिसमें स्पोर्स होते हैं। द स्टॉक इज कम्पोज ऑफ थ्री रो ऑफ एलोंगेटेड सेल। अब ये जो स्टॉक है, ये तीन रो एलोंगेटेड सेल की तीन रो से मिलके बना है। अभी बड़ा सा डायग्राम दिखाएंगे, यहाँ बस ऐसे समझ जाइए आप। द कैप्सूल्स आर ओवल इन शेप एंड अपियर लाइक अ बाइकॉन्वेक्स लेंस। और जो कैप्सूल है ये ओवल शेप का है ना, और अपियर कैसे दिख रहा है? बाइकॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखता है। फिर उसके बाद कह रहा है द मैच्योर स्पोरेंजियम हैज अ सिंगल लेयर्ड वॉल जैकेट लेयर, जो जिसको कहते हैं है ना, मैच्योर स्पोरेंजियम की एक जैकेट लेयर है दैट इंक्लोज 32 to 64 मोनोलीट स्पोर, जिसके अंदर कितने होते हैं? 32 to 64 मोनोलीट स्पोर्स होते हैं, ठीक है, इतने सारे स्पोर्स होते हैं। फिर अराउंड द एज ऑफ द कैप्सूल, कह रहा है कैप्सूल की एज के चारों तरफ क्या है? देयर इज अबाउट 16 स्पेशली डिफरेंशिएटेड वर्टिकल रो ऑफ सेल। कह रहा है कि जो कैप्सूल की एज है ना, कैप्सूल की एज यानी कि जो बाहर वाली लेयर होती है, या एज समझ लीजिए आप लोग, उस पर 16 टाइप की स्पेशली डिफरेंशिएटेड वर्टिकल रो हैं सेल की, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज एनोलस, जिनको हम क्या कहते हैं? एनोलस कहते हैं। अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये 16 जो स्पेशली डिफरेंशिएटेड वर्टिकल रो ऑफ सेल हैं, ये एनोलस कहलाती हैं। इट कवर्स 2/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द कैप्सूल एंड फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट रिंग ऑफ लार्ज सेल। ये क्या कर रहा है ना, टू थर्ड जो है पूरा एरिया जो है कैप्सूल का सर्कमफेरेंस, मतलब जैसे सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं? सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये आउटर एज होता है ना, तो इसको पूरा 2/3 तो यही कवर कर रहा है, ठीक है। क्या? एनुलस, ये जो डिफ्रेंशिएटेड वर्टिकल रो है सेल की, वही पूरा कवर कर रहा है, जो कि क्या, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। अब ये रहा डायग्राम। देखो इस डायग्राम में देखो कि हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम की अगर बात करें तो ये हमारा स्टॉक है, ठीक है। ये क्या है? ये पूरा कैप्सूल है, और कैप्सूल में ये क्या है, ये जो सेल हैं, डिफरेंशिएटेड सेल हैं, वर्टिकल सेल हैं, इनको कहते हैं एनुलस, ठीक है। 16 डिफरेंट सेल हैं जो कि एनुलस कहलाती हैं, पूरी पूरी रो है, ठीक है, पूरा सर्कमफेरेंस को कवर कर रखा है इसने। The remaining 1/3 of the edge of the sporangium between the stalk and the annulus is composed of long, flat and thin walled cell. अच्छा, 2/3 तो पूरा किसने कवर कर रखा था? जो 16 वर्टिकल सेल्स थी है ना, उन्होंने कवर कर रखा था, लेकिन जो 1/3 बचा है, थोड़ा सा जो एरिया बचा है, उसको कौन कवर कर रहा है? उसको भी कुछ सेल्स हैं, थिन वॉल्ड सेल्स हैं, वो कवर कर रही हैं, जो कि लॉन्ग है, लंबी लंबी हैं, है ना, लंबी लंबी हैं, फ्लैट हैं, ठीक, वो सेल कवर कर रही हैं, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। इतना ये तो आपने सेम देखा कि एनुलस की ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो 1/3 वाला एरिया है ये छूट गया, तो 1/3 वाला जो स्टॉक और कैप्सूल के बीच में है, तो ये जो है लॉन्ग है, फ्लैट है, ठीक, थिन वॉल सेल है। दे आर कॉल्ड स्टोमियम, और इन इतनी सेल्स को क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं। इतना समझ आ गया।
फिर टू सेल इन द स्टोमियम आर नैरो एंड एलोंगेटेड कॉल्ड लिप सेल. अब स्टोमियम के अंदर दो सेल ऐसी हैं जो कि नैरो हैं, एलोंगेट हैं, लंबी लंबी हैं, जिनको लिप सेल कहते हैं. लिप सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लिप्स की तरह हैं, है ना, ऐसे ऐसे समझ जाया करें, पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी. फिर थ्री थिन वॉल सेल अबव लिप आर कॉल्ड एपिस्टोमियम. और लिप सेल के ऊपर तीन पतली पतली सेल हैं जिसको एपिस्टोमियम कहते हैं, नीचे की दो हैं जिसको हाइपोस्टोमियम कहते हैं, और इन सबको मिला के स्टोमियम कहते हैं. इतनी बात यहाँ पे लिखी हुई है. अब उनको पॉइंट्स में देख लेते हैं, है ना. तीन जो सेल थी, थिन वॉल सेल थी, उनको एपिस्टोमियम. फिर दो जो बिलो लिप सेल के नीचे हैं उनको हाइपोस्टोमियम कहते हैं. द एनोलस एंड स्टोमियम हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम एंड डिस्पर्जल ऑफ स्पोर. अब ये जो एनोलस, इतनी देर हमने जो कहानी पढ़ी है उसका मतलब भी तो निकलना चाहिए ना. तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो एनोलस की जो रिंग थी हमारी, वो क्या हेल्प क्या कर रही है, स्टोमियम का क्या काम है. तो ये क्या करते हैं, ये जब हमारा स्पोरेंजियम डेहिसेंस होता है, यानी कि जब स्पोर्ट्स बाहर निकलते हैं, स्पोरेंजियम फटता है, है ना, तो स्पोर्ट्स को निकलने में ये सारा कुछ इन लोग का रोल होता है, ये लोग हेल्प करते हैं. तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोलस भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोमियम भी इंपॉर्टेंट है. तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इतना समझ आ गया होगा. अब हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम. अब ये जो स्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको जानते हैं, ठीक है. तो डेवलपमेंट स्पोरेंजियम का लेप्टो स्पोरेंजिएट टाइप का होता है. अच्छा, ये लेप्टो स्पोरेंजिएट और ये जो यू स्पोरेंजिएट है, इसकी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है प्रॉपरली अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे. तो आप वहाँ पे देखिए, अच्छे से पूरा डिफरेंशिएशन बता रखा है मैंने कि एक दूसरे से कैसे ये डिफरेंट है. वहाँ पे आप अच्छे से पढ़िए. यहाँ सिर्फ इतना जान लीजिए कि लेप्टो स्पोरेंजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजियम का, उसका मतलब होता है कि मार्जिनल सेल, जो मार्जिन पे सेल होते हैं, वो फंक्शन करते हैं एज अ स्पोरेंजियल इनिशियल. तो यहाँ पे देखो डायग्राम में देख रहे हैं कि जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे हो रहा है, स्पोरेंजियल इनिशियल जो बन रहा है वो मार्जिन पे जो सेल है उससे बन रहा है. तो ये टाइप कैसा हुआ, लेप्टो स्पोरेंजिएट टाइप हुआ. और ये देखो, अब ये यहाँ पे आप डायग्राम देख लें, फिर उसके बाद हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं कि एक स्पोरेंजियल इनिशियल था, उससे फिर दो कैसे बने, क्या डिवीज़न हुआ, ये सारी चीज़ें. ये जो डायग्राम है, एपिकल सेल कैसे बना, जैकेट इनिशियल बन रही है, आर की स्पोरियल सेल बन रहा है, फिर टेपटम की लेयर आ गई. टेपटम लेयर जब भी आप सुने, आप हमेशा समझ जाएं कि इसका काम होता है कि ये स्पोर्ट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है. स्पोर की मदर सेल बन रही हैं, फिर उसके इसी स्पोर की मदर सेल से क्या बनता है, स्पोर्ट्स बनते हैं. तो ये सारी चीज़ें हुई जो डायग्रामेटिक वे हैं, है ना. हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहें और अच्छे से समझ में आए, ताकि हम एग्जाम में अच्छे से लिख सकें, है ना. द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इज लेप्टो स्पोरेंजिएट टाइप. अ मार्जिनल सेल फंक्शन एज स्पोरेंजियल इनिशियल. अच्छा, डायग्राम भी देख लें आप लोग, ताकि अगर बनाने को आए तो बना भी सकें. तो सिंपल सा पॉइंट यही कह रहा है, पहला पॉइंट हमारा, कि जो डेवलपमेंट है स्पोरेंजियम का वो कैसा है, लेप्टो स्पोरेंजिएट टाइप का है, जिसमें कि जो मार्जिन का सेल है हमारा, वो फंक्शन करता है एज अ स्पोरो स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह. ठीक, इतनी बात समझ आ गई. तो चलो अब हम लोग अपनी थ्योरी पे आते हैं, है ना, पूरी कहानी को जानते हैं क्या कह रहा है. कि पॉइंट कहता है लेप्टो स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या कह रहा है कि जो पहला स्पोरेंजियल इनिशियल है वो इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, है ना, उसमें ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, जो कि दो सेल बना रहा है, आउटर एंड इनर बेसल सेल. ठीक है, एक एक स्पोरेंजियल इनिशियल में ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, तो आउटर हो गया, ये वाला आउटर हो गया, नीचे बिलो वाला, है ना, बिलो वाला बेसल सेल हो गया. टेक्स नो फर्दर पार्ट इन डेवलपमेंट, जो कि बेसल सेल, ये जो सेल है इसका कोई काम आगे नहीं है, ये कोई डेवलपमेंट में फर्दर कोई काम नहीं करेगा. ठीक, फिर नाउ आउटर सेल डिवाइड्स बाय थ्री इंटरसेक्टिंग डायगोनल वॉल्स इन सच अ वे दैट अ थ्री साइडेड पिरामिडल एपिकल सेल फॉर्म. फिर इसमें फर्दर डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो इसमें डिवीजन्स होंगे, ऐसा डिवीजन होगा कि एक पिरामिडल सेल बनेगा जिसको एपिकल सेल बोलते हैं. ठीक, ये बनेगा, तीन साइड से ऐसे सेगमेंट्स कट ऑफ होंगे. द लोअर सेगमेंट फॉर्म द स्टॉक, वाइल अपर थ्री सेगमेंट फॉर्म अ पोर्शन ऑफ स्पोरेंजियल वॉल. लोअर सेगमेंट क्या करेंगे, स्टॉक बनाएगा. लोअर सेगमेंट क्या बनाएगा, स्टॉक बनाएगा, और अपर थ्री सेगमेंट्स फॉर्म अ पोर्शन ऑफ स्पोरेंजियल वॉल, और उसके अपर के तीन सेगमेंट जो है स्पोरेंजियल वॉल बनाएंगे. द पिरामिडल एपिकल सेल,
जो पिरामिडल एपिकल सेल बना है हमारा, डिवाइड्स पेरिक्लिनली टू फॉर्म आउटर जैकेट इनिशियल एंड इनर स्पोरोजेनस या आर्कियोस्पोरियल सेल बनाएगा। जो हमारा एपिकल सेल बना है यूं करके, है ना, यहाँ पे अभी हम फिर से डायग्राम दिखा देंगे आपको। ये जो हमारा एपिकल सेल बन रहा है इसमें फर्दर डिवीजन होगा पेरिक्लिनली, और क्या बनाएगा, जैकेट इनिशियल बनाएगा और इनर स्पोरोजेनस या उसको आर्कियोस्पोरियल सेल बोलते हैं, ये बनाएगा। ठीक, अब जैकेट लेयर क्या करता है, फॉर्म सिंगल लेयर स्पोरेंजियल वॉल। जैकेट लेयर क्या करेगा, स्पोरेंजियल वॉल की एक सिंगल लेयर बना देगा। आर्कियोस्पोरियल सेल जो बन रहे हैं यानी स्पोरोजेनस सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, कट्स टू फॉर्म टू लेयर टेपटम। वो क्या करेंगे, टेपटम की दो लेयर बनाएंगे। टेपटम का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना स्पोर्स को। द स्पोरोजेनस सेल लेटर डिवाइड्स टू फॉर्म 8 to 16 स्पोर मदर सेल्स। अब जो स्पोरोजेनस सेल है ना, ये क्या बना रही है, 8 to 16 स्पोर मदर सेल्स बना रही है डिवाइड होकर के, विच अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 32 to 64 स्पोर्स। अब ये 8 to 16 जो स्पोर मदर सेल बनी है, ये फिर से मियोसिस होगा इसमें, है ना, डिवीजन शुरू, मतलब डिवीजन्स हो रहे हैं ना यहाँ पे पर्टिकुलरली। तो जब मियोसिस डिवीजन होगा तो ये मियोसिस डिवीजन होकर के 32 to 64 स्पोर्स बन जाएंगे। तो यानी कि स्पोर मदर से हमारे स्पोर्स बन चुके हैं, और हम पढ़ के आ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, यानी कि स्पोरेंजियम में स्पोर्स कैसे बनते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, सारी चीज़ें। फिर द टेपिटल सेल ब्रेक्स डाउन एंड फॉर्म न्यूट्रिशियस फ्लूड। जाहिर सी बात है, टेपटम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो वो जब ब्रेक करेगी, टूटेगी, तो क्या है, जो जितना भी न्यूट्रिशियस फ्लूइड होगा वो बाहर आ जाएगा। तो स्पोर मदर सेल्स फ्लोट इन इट। अब जो स्पोर की मदर सेल है वो उसमें फ्लोट करती रहती है। अब उसके बाद जब स्पोर मदर सेल फ्लोट कर रही है उसमें, तो उसमें बहुत सारे स्पोर्स भरे हैं, 32 to 64 स्पोर्स भरे हैं, तो ये बाहर कैसे आएंगे इसको भी हम समझते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, डेहिसेंस पढ़ेंगे, है ना, कि ये बाहर कैसे आ रहे हैं, डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम। तो ये हमारा है डायग्राम। डायग्राम आप देख लीजिए, यहाँ पे एनुलस की रिंग है, स्पोर मदर सेल है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स भरे हैं, इस फ्लूइड में ये जो टेपटल सेल जो है ब्रेक होती है, तो एक न्यूट्रिशियस फ्लूइड होती है उसी में ये स्पोर मदर सेल्स फ्लोट कर रही है, है ना। मास ऑफ स्पोर्स देखो भरे पड़े हैं, ये देखो मास ऑफ स्पोर्स, ब्रोकन स्टोमियम। अब ये स्टोमियम ब्रोक हो रही है, फिर उसके बाद ये सारे डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस को हम थ्योरी में पढ़ते हैं। अब थ्योरी क्या कहती है, पॉइंट पहला कहता है ऑन मैच्योरिटी द इंड्यूसियम ड्राइज एक्सपोजिंग द सोरस। जब मैच्योरिटी आ जाती है, मतलब जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तो जो इंड्यूसियम होता है ना, जो हमारा स्पोरेंजियम में जो इंड्यूसियम था, जो कवरिंग लेयर थी जो सोरस को कवर कर रहा था, है ना, पढ़ा था ना, याद है ना, तो सोरस को जो इंड्यूसियम कवर कर रहा था वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। जब वो ड्राई हो जाता है तो सोरस एक्सपोज हो जाते हैं, दिखने लगते हैं, है ना, सोरस जब दिखने लग रहे हैं, एक्सपोजिंग द सोरस इन ड्राई वेदर। जब सूखा वेदर होता है, द सेल्स ऑफ द एनुलस लूज वाटर फ्रॉम देयर आउटर वॉल। जो एनुलस की सेल्स हैं वो वाटर लूज कर देती हैं, है ना, वाटर खत्म हो जाता है उनका, फ्रॉम देयर आउटर वॉल से वाटर खत्म हो जाता है। द थिन आउटर वॉल बेंड्स इनवर्ड्स एंड बिकम्स कॉनकेव। तो जो थिन आउटर वॉल है वो बेंड हो जाती है, इनवर्ड की साइड, अंदर की साइड बेंड हो जाती है और वो कॉनकेव बन जाती है, यूं ऐसे बन जाती है, ठीक है। इट ब्रिंग्स अबाउट द अनइक्वल टेंशन ऑफ द सेल वॉल। और वो क्या कर रही है, एक अनइक्वल सा टेंशन, मतलब एक प्रेशर टाइप का लग रहा है सेल वॉल्स पे, ड्यू टू दीज चेंजेस। अब ये जो इतनी चेंजेस हो रहे हैं, जो हम ये बार बार पढ़ रहे हैं, बेंड हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है, ये होने का क्या मतलब है, इससे क्या हो रहा है, ड्यू टू दीज चेंजेस द एनुलस टेंड्स टू स्ट्रेटन एंड इन डूइंग सो इट टीयर्स द स्पोरेंजियल वॉल फ्रॉम द स्टोमियम। और वो क्या कर रहा है, एनुलस जो है स्ट्रेट हो जा रहा है, और वो ये सब करते कराते क्या हो रहा है कि वो फट जा रहा है, टीयर हो जा रहा है ना, है ना, जैसे किसी चीज़ को हम फाड़ते हैं तो वैसे फट जा रहा है स्पोरेंजियल वॉल उसकी, फ्रॉम द स्टोमियम, स्टोमियम वाले एरिया से। जैसे हमने ये जो पढ़ा था, अभी आप लोग फिर से याद कर लीजिए, कि ऐसे पढ़ा था ना, ये स्टॉक थी, ये एनुलस की रिंग थी, पूरी 2/3 पूरी एनुलस की रिंग थी, ऐसे ऐसे सेल थे पतले पतले, लेकिन इतना पार्ट स्टोमियम वाला था जिसमें दो लिप सेल थे, एपिस्टोमियम, हाइपोस्टोमियम, ये सारी चीज़ें थी। तो जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ से फट गया, अभी हमने डायग्राम में पीछे देखा था ना, तो ये जब ब्रेक हो जा रहा है, टीयर हो जा रहा है, फट जा रहा है, तो इससे क्या हो जा रहा है, सम ऑफ द स्पोर्ट्स आर ब्लोन अवे बाय विंड। अब जो स्पोर्ट्स हैं, जाहिर सी बात है, ये इतना एरिया खुल गया तो अंदर जो स्पोर्ट्स हैं ये बाहर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है, ब्लोन अवे फ्रॉम द विंड, हवा चलेगी अगर तेज से तो ये बाहर आ गए। बट द ग्रेटर मास ऑफ द स्पोर इज हेल्ड इन द अपर ओपन एंड ऑफ द स्पोरेंजियम। लेकिन फिर भी जो अभी इसके अंदर जो फ्लूइड है, स्पोर मदर सेल हैं, वो सारे स्पोर्स को रखी हुई हैं, तो वो अभी फिर भी इसमें हैं,
है ना, कुछ बाहर आए हैं लेकिन फिर भी कुछ हैं अभी। लेकिन जब सडन रिलीज ऑफ द टेंशन, रिलीज ऑफ टेंशन इन द एनुलस सेल रिजल्ट्स इन स्नैप बैक ऑफ एनुलस अगेन इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, इजेक्टिंग द स्पोर फोर्सिबली फ्रॉम कैप्सूल विद अ जर्क। देखो क्या होता है, सिंपल सा समझो कि जैसे ये सपोज वो है स्पोरेंजियम है, अब इसमें क्या हो रहा है कि यूं करके ऐसे पीछे गया हवा के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ तक थोड़े स्पोर्स निकले लेकिन अभी थोड़े जो है उसके मास में भरे हैं, तो जब हवा के थ्रू वो अपनी पोजीशन पे आएगा ना यूं करके, यूं ऐसे आएगा, ऐसे समझ रहे हैं ना आप? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊँ। तो जब ऐसे अपनी अपनी पोजीशन पे आएंगे तो वो एक जर्क लग रहा है, एक प्रेशर टाइप का लग रहा है, ऐसे धक्का लगता नहीं है, तो ऐसे जब धक्का लग रहा है तो वो जो स्पोर्ट्स बचे थे वो जितने बचे थे वो फिर बाहर आ गए। तो जब ये सारे बाहर आ गए तो ये फोर्सिबली एक फोर्स के साथ जो है सारे स्पोर्ट जो है इजेक्ट हो जा रहे हैं, बाहर की तरफ आ जा रहे हैं। तो सिंपल है, डिहिसेंस ऐसे ही हो रहा है ना कि कैसे स्पोर्ट्स आ रहे हैं, ये जो इतने चेंजेस हुए उसमें स्ट्रोमियम फटा, एनुलस की वॉल, एनुलस के बाद जो स्ट्रोमियम आता है वो फटा और उससे सारे स्पोर्ट्स बाहर आ गए एक जर्क के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो इतना था हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन, मतलब हमारे स्पोर्स जो है रेडी हो गए हैं, है ना। अब स्पोर्स अगर बन चुके हैं तो जाहिर सी बात है गैमेटोफिटिक फेज़ आएगा। अब गैमेटोफिटिक फेज़ आएगा तो गैमेटोफिटिक फेज़ का पहला जो सेल होता है वो स्पोर ही होता है। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ गई हो सारी चीज़ें, है ना, अगर जो ना समझ आया हो वो आप मुझे कमेंट करें, मैं वहाँ पे बताऊँगी। बाकी अगर वाकई में अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।